तो देखो प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बार बार जेई में पूछा गया है। कहता है स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। चलो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और वो क्या है पूरी तरह से रेस्ट में है। तो अगर इस पे फोटोन पड़ता है, ये जो फोटोन आया इस पे फोटोन पड़ा, फोटोन को एक बॉल की तरह इमेजिन कर लो दिमाग में, है ना दिमाग। तो यहाँ से जो फोटॉन आया इनिशियली, तो फोटॉन के पास वॉट एवर जो भी मोमेंटम होगा इसका, वो जो मोमेंटम है इनिशियली मोमेंटम, और इसका इनिशियल मोमेंटम कितना मेरे भाई? जीरो। तो इसका इनिशियल मोमेंटम है एच अपॉन लैम्डा, समझ रहे हो। तो जब ये मोमेंटम जब ये पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर गया, तो अब जो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन गलत थोड़ी होगा, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर देखोगे तो पूरा का पूरा, ये तो बॉल तो ऑब्जॉर्व कर लिया, तो पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनल मोमेंटम वी एफ से पी एफ से मूव करेगा, और ये फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर होना चाहिए क्योंकि ऊपर परपेंडिकुलर ऑब्जॉर्व मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होना चाहिए और ये मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। और यही पूछ रहा है मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यही है पी एफ, ठीक है ना, जो कि इनिशियल के इक्वल होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए भाई? तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ से एच न्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ये लैम्डा न्यू, या तुम्हें याद हो तो डायरेक्ट लिख लो भाई ई बाई सी। फोटोन के लिए अगर लिखोगे दैट इज एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, और मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ क्योंकि पावर जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, तो वर्क डन इज कुछ नहीं एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। समझ रहे हो ना, देख रहे हो कितने अच्छे से मैं सोल्यूशन सॉल्व करता हूँ। तो पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी और डिवाइडेड बाई लाइट की स्पीड, यहाँ से अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है तो ई अपान सी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो पावर कितना यूज, हाँ तो यहाँ पर वैल्यू डालो, पावर की वैल्यू डालोगे तो 20 मिली, 20 10 की पावर -3, और यहाँ से देखोगे टाइम, टाइम कितना भाई? 300 नैनो सेकेंड है, तो 300 10 की पावर -9, और 10 की पावर -, जब डिवाइड करोगे लाइट की स्पीड, तो 3 × 10 की पावर 8। तो ये 3 इसको कट काट दिया, और यहाँ से तुम देखोगे कि ये 3 0 इसको, ये 0 इसको ख़त्म कर दिए, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -9 पहले था, और 10 की पावर -8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 10 की पावर -17 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है भाई। तो 2 × 17 मतलब इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।